ये पृथ्वी फोन क्यों नहीं उठा रहा? एक बार फोन उठाकर बात हो जाए तो पता चल जाए कि बारात निकली है कि नहीं। इतनी देर हो गई है। शर्मा जी नमस्ते। बेटी की शादी की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत। दोबारा ट्राई करती हूँ। हाँ नमस्ते जी नमस्ते। फोन क्यों नहीं उठा रहा पृथ्वी? तुम कल प्रीता से शादी कर रहे हो ना? ऑफ कोर्स कर रहा हूँ। तोड़ दो शादी। प्रीता जी के साथ शादी करने के लिए इस शेर ने कितने कितने अरमानों से ये शेरवानी बनवाई थी। आज के दिन मेरी शादी होने जा रही थी प्रीता जी के साथ। मेरी सपनों की रानी प्रीता जी हमेशा हमेशा के लिए मेरी होने जा रही थी, पर उस मूर्खों की महारानी ने सब बिगाड़ दिया। कैसे ऐसे कैसे ना करूं ये शादी? उसकी तो शादी हो गई तो मुझे क्यों मना करिए? मैं ये शादी करूंगा। मैं अपना सपना प्रीता जी के साथ शादी करने का सपना पूरा करूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं ये शादी करूंगा। मैंने कह दिया कि तुम प्रीता से शादी नहीं करोगे तो नहीं करोगे। अरे जब प्रीता से शादी करने का कोई रीजन रहा ही नहीं तो शादी क्यों करनी? बात बात पे धमकी देती है। मन तो करता कि उसकी धमकी समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मैं ना तो घर का ना घाट का। पृथ्वी इस थाल में मैं बहू के लिए चुन रही और देखो कुछ साड़ियां लाई। देख तो। अरे क्या हुआ, तू अभी तक तैयार तो नहीं हुआ? अरे आज तेरी शादी है, बारात ले जाने का टाइम हो गया है। अरे दूल्हे के बिना कैसे बारात जाएगी? मॉम प्लीज प्लीज आप थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, मैं कुछ सोच रहा हूँ। अरे लेकिन तू शादी के दिन क्या सोच रहा है, कुछ तो बता मुझे पृथ्वी। मॉम आप आइए प्लीज मेरी बात। अरे कैसे जाओ? शादी नहीं हो रही है और ये शगुन का थाल में आता था। ये तो प्रीता जी के लिए और मैंने इस चुनरी को फेंक दिया। क्यों क्यों किया ऐसा? हाँ प्रीता जी की चुनरी है ना, और तू तो प्रीता जी की रिस्पेक्ट करता है, उनसे प्यार करता है। कैसी लगेंगी प्रीता जी इसमें? अगर प्रीता जी इसको पहनेंगी तो प्रीता जी यहाँ पर नहीं है। उसके बावजूद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो तब होता है जब कोई किसी से पागलों की तरह प्यार करता है। मतलब मैं प्रीता जी से बहुत प्यार करता हूँ, पागलों की तरह प्यार करता हूँ। नहीं मैं शादी करूंगा। मैं शादी करूंगा प्रीता जी से, चाहे जो हो जाए देखा जाएगा। मैं शादी करूंगा ना, करूंगा मैं शादी प्रीता जी से। आज के आज ही करूंगा मैं अपना सपना पूरा करूंगा। शालिन बेबी मैं उनमें से नहीं हूं जो दो में से एक को चुन ले। मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। मैं उनमें से हूं जिसको 2+2=4 चाहिए। मुझे तुम भी चाहिए, तुम्हारे साथ फ्यूचर भी चाहिए, और फ्यूचर में बहुत सारा पैसा भी चाहिए, और प्रीता जी भी चाहिए, क्योंकि प्रीता जी के साथ मुझे आज आज जीने की तमन्ना है। मैं चाहता हूँ प्रीता जी मेरी
मेरी बाहों में रहे आज। अब ये शादी होकर रहेगी, रोक सको तो रोक लो, और शादी के बाद कल जो होता है देखा जाएगा। अब तो आर या तो पार। देखा आपने गाड़ी ठोक दी। रास्ते पर भी गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिया क्या तुम्हें? क्या क्या ये दूल्हे की गाड़ी ठोक दी? अरे मैं मंडप की तरफ जा रहा था, आज मेरी शादी है, और ये क्या किया तूने? तुझे पता है मैं रास्ते में वही सोच रहा था कि आज मेरे रास्ते की रुकावट क्यों नहीं आई। ये लो, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? इतनी बड़ी गाड़ी सामने से आ रही है पर तुझे दिखाई नहीं दिया। I'm asking you, पहले तो तेरा दिमाग खराब था, उसके बाद तू अंधा हो गया, अब तू बहरा भी हो गया। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुझसे। पता है मुझे कि तूने जानबूझकर ये टक्कर मारी ताकि मैं मंडप तक ना पहुंच सकूं। मैं बताना चाहती हूँ कि कल मेरी शादी है। तुमने कहा ना तुम्हारे पापा जैसे हैं, तुम उनकी बेटी जैसी हो, तो जिसके पापा की ऐसी हालत हो वो बेटी जाके मंडप में नहीं बैठती, शादी नहीं करती, तोड़ दो शादी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे आशिक का फोन, बात करने के लिए मरे जा रही हूँ ना, कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया तुम्हें। क्योंकि वो अच्छे हैं, तुमसे तो बहुत अच्छे हैं। I feel you bro, तुझे बुरा लग रहा है, दर्द हो रहा है, तू इनसिक्योर है, जल बुन के राख हो रहा है। अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ यार, बड़े दिनों बाद मिल रहे हो। सुन बे गिल्ली डंडा प्लेयर, आज का दिन तेरा आखिरी दिन है, क्योंकि आज के बाद प्रीता जी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना तेरी इन दोनों गिल्लियों को निकालकर कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा। क्योंकि प्रीता जी कुछ ही घंटों के बाद हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। सुन, तेरी प्रीता जी के साथ पास्ट में जो दोस्ती थी नहीं थी, यादें थी नहीं थी, गलती से भी याद मत करना, क्योंकि प्रीता जी अब मेरी होने जा रही है हमेशा हमेशा के लिए। आज के बाद प्रीता जी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा, प्रीता जी को देखने का हक, उनके करीब जाने का हक, उनका हाथ पकड़ने का हक, उनके गाल छूने का हक, और शादी के बाद उनके साथ सुहागरात। ले और एक थप्पड़ मार, ले 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 ले, ले। आज मैं हाथ नहीं उठाऊंगा तुझ पर, इसलिए नहीं कि मैंने चूड़ियां पहन के रखी है, डरता हूं मैं तुझसे, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी बजाय और कोई मार रहा है तुझे, वो भी खींचा के। नहीं समझ में आया? जिंदगी थप्पड़ मार रही है तुझे, वो भी एक बार नहीं बार बार। सुनकर आज ना मैं बहुत खुश हूं। हाँ मानता हूं तेरी गलती है, तूने टक्कर मारी, पर भरपाई मैं कर दूंगा। तेरी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है ना, जो भी बिल है भेज देना। करण लूथरा को पैसे की थोस दिखा रहा है, तो करण लूथरा को अगर मैं चाहूं ना तो तुझ जैसे हजार पृथ्वी मल्होत्रा खरीद सकता हूं, समझा? लेकिन वो क्या है ना, गंदगी खरीदने का शौक नहीं है मुझे, सो जस्ट लीव। बेटा पीएम तो एक ही है और रहेगा, बाकी 999 में इतनी काबिलियत कहां। मेरा मूड बहुत अच्छा है आज, तो खराब मत कर, आज मेरी शादी है विद द लव ऑफ माय लाइफ, आज का दिन बहुत बड़ा है, और बड़े दिनों पर क्या करते हैं, दान देते हैं, तो मैं भी तुझे देता हूं दान, मतलब कि माफी।
बहुत जल्द मिलेंगे हम, पर अगली बार तेरी भाभी के साथ, मतलब कि मेरी पत्नी प्रीता जी के साथ। गाड़ी निकाल। अबे मरवाएगा क्या, मजाक कर रहा था मैं। मेरी जिंदगी कितनी कीमती है आज पता है? मेरी जिंदगी, प्रीता जी को मेरी बहुत जरूरत है। बेटा आप अभी आइए ना, अंदर आइए। जी। रुक जाओ। सृष्टि। नहीं माँ, ये जीजू और साली के बीच की बात है, आप बीच में नहीं बोलेंगी। क्यों जीजा जी, आज तो मैं अपने जीजा जी का बैंड बजा के ही रहूंगी। What do you mean? मेरा मतलब है शादी, शादी वाला बैंड। वैसे भी बारातियों का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ होना चाहिए ना, क्यों गर्ल्स? सो बैंड वालों बजा। ये शर्लिन बीबी आज पागल हो गई है क्या? आज कुछ ज्यादा ही घंटी बजा रही है। But I'm so sorry. आज सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी का बैंड बजेगा, तो आज मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाने वाला। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, जो भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं। दुनिया की दो राजकुमारियां मेरी बाहों में होंगी, प्रीता जी से प्यार मिलेगा और शर्लिन बेबी से पैसा। और सच्ची तो कहा है किसी ने, प्यार के लिए पैसा चाहिए। कमीना तो मिल गया, तो भैया जी कहाँ रह गए? ओ भैया जी, वो मोहन यही आएगा। अबे एक साथ नहीं बे, एक बोलो। अरे भैया जी, बैग नहीं लग गया, कपड़ा पहन के इधर गया, लड़की से बात कर रहा था अभी। अच्छा सुनो बे। जी भैया। जी भैया, जब तक हम इस मोहन को पहले अपनी जीप में और फिर ट्रेन में बिठाकर पटना न ले जाए, तब तक कोई भी सांस नहीं लेगा। ठीक है, ठीक है। आज साले का जबरिया शादी करवाएंगे। जी भैया। और एक बात बताओ, ये मोहन का इंजीनियर है? हाँ भैया। बढ़िया है, चलो आज हम भी अपनी इंजीनियरिंग करते हैं। कहाँ से भैया? अबे कहाँ से नहीं बे, उसको ढूंढो यार। क्या कर रहे हो तुम? अबे अबे क्या, कहाँ जा रहे हो? उधर कहाँ जा रहे हो? अंदर ढूंढ यार। पहले पकड़ने आए कि पकड़वाने आए? साला कहाँ गया? हेलो, कैसे हो? हैंडसम है? हैंडसम तो ये है। ये नहीं पूछ रही, वो फूलों के डेकोरेशन के लकी को बोला था मैंने, बाहर ठीक से नहीं हुई है, उसी ने भेजा है ना? फूल वाले लकी के यहाँ से आए हो ना? कहे हम आपको फूल वाले दिख रहे हैं? फूल वाले नहीं हो तो फिर कौन हो? अरे अभय सिंह कहते हैं हमको, हम शादी और श्राद्ध दोनों कराते हैं। कहे कि बिहार में तीन तरह से जोड़ियां बनती है, हिम्मत वालों की अरिंद जोड़ी, किस्मत वालों की लव जोड़ी और दहेज के लालचियों की जबरिया जोड़ी। आप बताइए आपकी कौन सी हुई? मजाक कर रहे हो ना कि सच बोल रहे हो? अरे मजाक काहे कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं।
कि हम मजाक कर रहे हैं। बताइए आंटी जी, क्या करवाना है फूलों में? वो ना बेटा, लकी सिंह है ना, उसको मैंने कहा भी था कि बाहर फूलों की जो मेन गेट है ना, वहाँ पे डेकोरेशन ठीक से नहीं हुई है, तो किसी को भेज दे। अच्छा हुआ उसने तुम्हें भेज दिया, तुम समझदार लगते हो। बेटी की शादी है ना, बहुत सारे काम पड़े, वहाँ बाहर की डेकोरेशन कर दोगे ना तो अंदर जो मंडप है हो जाएगा। आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए। तुम्हें देख के लगता है कि सब ठीक से ही होगा, खुश रहो, सब संभाल लेना। बिल्कुल। आप वो संभालिए, हम अपने लौंडे को संभालते हैं। कहाँ गया बे? काश ये लड़का सच में लड़के उठाने वाला होता, चपरिया जोड़ी बनाने वाला होता, तो ऐसे कहती ना कि पृथ्वी को यहाँ से ले जा और किसी डायन के साथ उसकी जबरिया जोड़ी बना दे। Excuse me? तुम? हम? और तुम? ये शादी का हॉल है, शादी हो रही है। अच्छा। और जिसकी शादी हो रही है वो है हम, दूल्हे राजा। हाँ, और हम डॉक्टर, इंजीनियर या टॉपर जैसे दूल्हों का बैंड बजाने वाले। एक्सक्यूज मी, वैसे तुम टॉपर, इंजीनियर, डॉक्टर तो नहीं हो? अगर हम पीएम है बिजनेस में। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलो करवाओ। मैंने आपसे झूठ कहा था, 70-90% पेशेंट्स कोमा से कभी बाहर नहीं आ पाते, वो कभी ठीक नहीं हो पाते, और महेश जी को तो इतनी गहरी अंदरूनी चोटें आई हैं, मुझे नहीं लगता राखी जी ये कभी भी कोमा से बाहर आ पाएंगे। क्या? राखी जी यही सच है। डॉक्टर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपने अभी अभी जो बात मुझे बताई ये बात मेरे परिवार में से किसी को मत कहिएगा, वरना जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी सब में बची है वो भी टूट जाएगी, और उस उम्मीद के साथ ये पूरा घर टूट जाएगा। प्लीज प्लीज ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, किसी को मत बताइएगा। चाची आपको प्रीता दी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे बेटा तुझे भी तेरी बहन की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। तुझे आलू के पकौड़े पसंद है ना, देख वहाँ बने हुए स्नैक्स खा ले फटाफट। मासी मासी, हाँ प्रीता दी के लिए आपने कितना हैंडसम लाइफ पार्टनर चूज किया है। पता है मम्मी को तो बहुत अच्छा लगा, और पता है मामा क्या बोल रही थी कि हमारी खुशबू के लिए भी कोई ऐसे ही हैंडसम बताओ ना। मम्मा को बोल देना कि खुशबू के लिए उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ के देंगे हम। एक काम करो ना, इनके वाले हैंडसम को आप ही लीजिए ना अपनी खुशबू के लिए। So sweet of you. I wish कि हमें वो पहले मिल गए होते। कोई बात नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढेंगे, मैंने कहा ना। अच्छा जाओ तुम लोग कुछ खा लो, फिर शादी के काम में लग जाओगे ना, वहां पर है बेटा, जाओ फटाफट। कुछ कहना है तुझे? नहीं नहीं पंजी। लो जो बात मैं कहने आई थी वो तो भूल ही गई, वो आपके भाई साहब पूछ रहे थे, कह रहे थे खाना आके चख लो कैसा बना, एक बार देख लो ना। तो मैं चख लूंगी, लेकिन तू क्या कह रही थी जानकी? मुझे पता है कि तुझे पृथ्वी और प्रीता की शादी पसंद नहीं है, पर अगर शादी पसंद नहीं है ना तो जा जाके घर में बैठ जा, प्रीता की विदाई के बाद मैं आराम से तेरे से बात कर लूंगी। बोल। अरे सरला आंटी कॉन्ग्रेचुलेशन, बेटी की शादी हो रही है, इतनी बड़ी खुशी है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। और मुझे कोई खुशी नहीं, फिर भी मैं घर नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी, और बार बार बोलूंगी कि मुझे ये दूल्हा बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके भाई। आंटी जी मैं आपको ही ढूंढ रही थी। क्या हो गया? आपको वो, हाँ आपको वो लकी अंकल बुला रहे हैं। लकी का तो दिमाग ही खराब हो गया, उसकी फूल डेकोरेशन खत्म ही नहीं हो रही है, ये सारे काम पड़े हैं, मैं कैसे दोबारा से जाऊं? मुझे बताइए क्या क्या करना है, पहले आप पंडित जी से बात कर लीजिए। हाँ, मैं पंडित जी से बात। हाँ। पंडित जी क्या क्या सामग्री और रह गई है? वो पान का पत्ता मंगवाया क्या? पान का पत्ता तो नहीं, फूल। अच्छा वो वर को भी बुलवा लीजिए, क्योंकि वर पूजा का मुहूर्त हो गया है। ठीक है तू जाके लकी को बोल मैं अभी आती हूं, मैं दूल्हे को भी बुलवा लेती हूं और पान के पत्ते भी मंगवा लेती हूं, है ना? जी मैं देखता हूँ। जी जी आप आई जी आई आई मैं नहीं बुलाने वाली उसको, दूल्हा होगा वो आपका खसमानू खाना। सिस्टी सिस्टी इधर आ जल्दी। हाँ आई। एक मिनट मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ
क्या कर रही है तो ये फोन कान पे क्यों लगाया हुआ? किससे बात कर रही? किसी से भी नहीं। तो फिर कान पे क्यों लगाया हुआ था? मामा जिससे बात कर रही थी आप नहीं जानते उसको, इसलिए मैंने कहा कि किसी से भी नहीं। ओ सुन, एक काम कर, तू जाके पृथ्वी को बुला ला। पंडित जी ने कहा है कि वो वर पूजा होने वाली है, चाचा चाची बुला के ला। मामा मैं नहीं। क्यों है नहीं? दीदी आप मेरे साथ चलिए, खाना बन के तैयार है, आप चेक कर लीजिए बस। हजार काम पड़े हैं तुझे, तो खाना चखने की पड़ी हुई। अच्छा रुक दो मिनट, एक सेकंड बात करने दे, जा चाचा के बुला के ला। मेरा बस चले तो उस पृथ्वी को कुमकुम भाग्य हॉल के बाहर ही फेंक दो। क्या कहा तूने? सुना आपने? हाँ सुन लिया मैंने। मैं कह रही हूँ ना, जाके उसको बुला के ला, तुझे समझ में नहीं आता? और ये ले अपना फोन पकड़, शांति पड़ गई तुझे? अब जाके पृथ्वी को बुला के ला, अपनी लंबी टांग का इस्तेमाल कर। चलिए चलिए आइए। अच्छा सुन, तूने वो मीठे में बना लिया है ना? हाँ जी। समझ में नहीं आ रहा इस पृथ्वी ने मम्मा पे क्या जादू कर दिया है, कुछ खिला पिला तो नहीं दिया? जब देखो तो मम्मा पृथ्वी की ही तारीफ करती रहती है। अरे ऐसा क्या अच्छा देखती है पृथ्वी में, मुझे समझ में नहीं आता। काश काश मम्मा थोड़े ध्यान से करण सर को देखती तो आज इस मंडप में पृथ्वी की जगह करण सर होते। मैंने आपसे झूठ कहा था, 70-90% पेशेंट्स कोमा से कभी बाहर नहीं आ पाते। मुझे नहीं लगता राखी जी ये कभी भी कोमा से बाहर आ पाएंगे। करण मुझे लगता है तुमसे बदला लेने के लिए उसे पापा जी को घर से धक्के मार के निकाल दिया होगा, जैसे तुमने उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया था। पापा जी ये बेइज्जती, ये इंसल्ट सहन नहीं कर पाए होंगे, वो ही सोचते सोचते उनका एक्सीडेंट हो गया। ये सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। उस लड़की ने मुझे जेल भिजवाया, पुलिस स्टेशन ले गई, उसके बावजूद मैंने उसे इस घर में घुसने दिया, अपने परिवार से मिलने दिया। सारी गलती मेरी है। जितने अच्छी तरीके से मैं सीता अरोड़ा को जानता हूँ ना, उतना कोई नहीं जानता। कितनी मासूमियत से वो इस घर में घुसी और मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। मेरे डैड की हालत उसकी वजह से है, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद उसकी वजह से हुई। काश काश मैंने उसे इस घर में घुसने ही नहीं दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मायरा बताओ क्या बात है? प्रतिका मैं जब इस घर में आई थी ना तो मुझे लगा था कि सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा होगा। तुम समझ रही हो, मतलब पहले हम कितनी मस्ती करते थे ना, कितना फन करते थे। माहिरा उस टाइम की बात कुछ और थी, और अभी पता नहीं, फिर भी मुझे ना घर का माहौल बहुत ऑड लगता है। देखो ना मुझे अपनी इस बुक में करण का ऑटोग्राफ लेना है, लेकिन मुझे करण का ऑटोग्राफ लेने में डर लग रहा है। करण भाई का ऑटोग्राफ इस बुक में चाहिए तुम्हें? लाओ दिखाओ जरा। नहीं अभी लेके आते हैं। नहीं एक मिनट बाबा, एक मिनट माहिरा। वो हाँ शूट। अरे कृतिका एक्चुअली मैं तो ऐसे स्टूपिड भान के जैसे बिहेव कर रही हूँ ना, और करण के आजकल मूड का भी पता नहीं चलता है ना, और कृतिका मैं नहीं चाहती ना कि मेरा इम्प्रेशन करण के सामने खराब हो। सो माहिरा हो गया तुम्हारा, करण भाई का ऑटोग्राफ चाहिए ना, तो अभी लेते हैं चलो। मैं नहीं नहीं कृतिका वो ऑटोग्राफी तो है, इट्स जस्ट एन ऑटोग्राफ, यू नो वो तो मैं खुद भी ले ही सकती हूँ जाके, तो जस्ट रिलैक्स मैं ले लूँगी। माहिरा ऑटोग्राफ ले सकती तो ले लेती ना अभी तक, लेकिन तुमने नहीं लिया क्योंकि तुम करण भाई के सिर्फ डाई हार्ड फैन नहीं शॉय फैन भी हो, इसलिए मेरे साथ चलो अभी उनका ऑटोग्राफ लेते हैं। मैं कह रही हूँ ना चलो, लेकिन माहिरा चलो। कृतिका व्हाट डू यू थिंक, आई मीन करण क्या बोलेगा, उसे बहुत ज्यादा ऑड तो नहीं लगेगा ना हम ऐसे, मतलब। माहिरा तुम इतना हेसिटेट क्यों कर रही हो? हाँ देखो माहिरा इसी बहाने ना आई एम श्योर करण भाई को थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, और मैं तुम्हें बता दूं करण भाई ना अपने सब फैंस से ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इनफैक्ट वो बहुत खुश होते हैं जब उनके फैंस उनसे मिलने आते। और एक और बात, जब करण भाई को ये पता चलेगा कि तुम उनकी कितनी बड़ी डाई हार्ड फैन हो ना, तो बहुत खुश होंगे वो। हाँ वैसे तो मेरे करण भाई हमेशा खुश रहते थे, लेकिन आजकल कुछ दिनों से सेट से रहते हैं, थोड़े से बदले बदले से हैं। एनीवे एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट गो, उनका ऑटोग्राफ लेते हैं, ठीक है चल। मैं नहीं जानता कि मैं प्रीता की शादी रोकने के लिए क्या करूँगा, शादी तो मैं रोक के रहूंगा। करण भाई, अरे करण भाई सुनिए तो, करण भाई मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आई मीन मुझे नहीं महरा को चाहिए, प्लीज दे दीजिए। अभी नहीं, टाइम नहीं अभी मेरे पास। अरे करण से क्या हो गया, ये पहले तो ऐसा नहीं था। मुझे पता है ना क्या हुआ है। क्या
बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेरा समझाना भी और तुम्हारा समझना भी। पृथ्वी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? एक तो इतना बड़ा घर और इतने सारे लोग, उन लोगों को डिस्टर्ब करने आ ही जाता है। जब इतनी मुश्किल से चांस मिला है अकेले बात करने के लिए, तो बेवकूफ इंसान मेरा फोन नहीं उठा रहा। ये प्रीता से शादी क्यों कर रहा है? पृथ्वी, प्रीता से शादी मत करो, मैंने तुम्हें मना किया था। पृथ्वी, तुम मुझे चीट नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ डबल गेम नहीं खेल सकते। पृथ्वी, मेरा फोन उठाओ। ये जानने के बावजूद कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। फोन उठाओ। यहां मेरी वर पूजा हो रही है और ये बीबी फोन कर करके मेरी पूजा में विघ्न डाल रही है। वाइब्रेट पे डाल दिया तो भी टेंशन दे रही है। ये पृथ्वी मेरे साथ ही डबल गेम खेल रहा है। जानबूझकर मेरा फोन नहीं उठा रहा। इसे पता है कि मैं कॉल क्यों कर रही हूँ। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है, सबसे बड़ी गलती। गिरीश, तुम्हारे पास फोन है? अरे ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हारी बैंक की डिटेल्स नहीं मांग रही हूँ, फोन मांग रही हूँ। फोन है? हाँ है। लाओ तो। वो मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है, तो अपनी फ्रेंड को तुम्हारे फोन से फोन कर रही हूँ। यहाँ पे क्या खड़े होके देख रहे हो? तुम्हारा फोन लेके भाग नहीं जाऊंगी, जाओ अपना काम करो।